हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संजय एकेडमी। टुडे वी डिस्कस अबाउट हाउ टू इनकाउंटर इंग्लिश इन सीटेट। इंग्लिश को मतलब कैसे हम लोग सॉल्व करें सीटेट के लिए, जिससे कि एक हमारा अच्छा स्कोर बन जाए। देखिए, नो डाउट इंग्लिश थोड़ी टफ आती है, टफ तो वैसे संस्कृत भी आती है, सभी चीज़ें टफ ही हैं, ईजी भी होते हैं, उसमें क्वेश्चन सभी टफ ही नहीं होते। तो क्या हमारी एक बेस्ट स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, जिससे कि हम एक अच्छा स्कोर कर सकें कम टाइम में, ठीक है, कम पढ़कर ज़्यादा अच्छा स्कोर हो जाए। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको एक बेस्ट स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ। इसको मैंने भी अप्लाई किया था, ठीक है, तो अगर आप इसको अप्लाई करेंगे तो आपको फ़ायदा ही होगा, ठीक है, इससे नुकसान तो बिल्कुल ही नहीं होगा। तो चलिए पहले हम डिस्कस कर लेते हैं, देखिए आराम से समझिएगा, ठीक है, आपके लिए लाइफ चेंजिंग वीडियो हो सकता है, आप बहुत कुछ सीख जाएं। ठीक है, जैसे आप जानते हैं कि 30 नंबर की हमारी इंग्लिश होती है, ठीक है, 30 में बाइफरकेशन होता है कि 15 की आपका कंटेंट आता है, पैराग्राफ्स वगैरह आते हैं, और 15 नंबर की क्या आती है, पैडागोजी। तो पैडागोजी के लिए तो आप डोंट वरी अबाउट दैट, इसके लिए आपको चिंता करनी नहीं, हम पढ़ा ही रहे हैं और पढ़ा भी चुके हैं, पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है और इसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दी है, और फिर इसके ऊपर हम प्रैक्टिस कर लेंगे। जो 15 नंबर की पैडागोजी आती है, इसके लिए मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि 15 में से 13 से 14 नंबर, 15 भी आ सकते हैं, इतने तो आपके आ ही जाएंगे, ठीक है, बिल्कुल आएंगे, इसको बहुत अच्छे से कर रहे हैं। बट अब आ जाइए 15 नंबर के लिए क्या करें, तो आपको 15 नंबर के लिए तैयारी करनी है कंटेंट के लिए। अब 15 नंबर में क्या क्या आएगा, देखिए इसमें समझ लीजिए, जो 15 नंबर की हमारे जो कंटेंट से रिलेटेड जिसमें पैराग्राफ होते हैं, इसमें लगभग 7-8 क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जो पैराग्राफ को देखकर सीधे करने होते हैं, ठीक है, और जो बचे हुए क्वेश्चन होते हैं लगभग 7 से 8, 1-2 नंबर वेरी कर सकता है इधर उधर, उसमें क्या है कि ऊपर वाले जो पैरा का कोई उठा लिया सेंटेंस, इसमें ये नाउन है, प्रोनाउन है, क्या है, छाटी वगैरह, तो लगभग 7-8% जो होते हैं वो ग्रामर के बन जाते हैं, मतलब जो अपोजिट है, सिनोनिम्स है, ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, या नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, एटसेट्रा, ये चीज़ें आ जाती हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, एक तो तरीका है कि आप कोई भी बुक उठाइए ग्रामर की, इसको पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए 6-7 नंबर के लिए, ठीक है, अगर आपके टाइम है आपके पास सफिशेंट तो आप ये कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल मैं नहीं सजेस्ट करता हूँ कि इसको आप करें, क्योंकि इससे आपका टाइम बहुत वेस्ट होगा, और हो सकता है कि आप मान लीजिए 7 नंबर के आएंगे, ठीक है, ग्रामर वाला, साथ में अगर आपने कर भी लिए लेकिन उसमें टाइम भी तो बहुत लगेगा, तो मैं जो बताने जा रहा हूँ आप उसको अप्लाई कीजिए। देखिए ग्रामर मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ बिल्कुल ही छोड़ दो, अगर आपके पास टाइम है तो देखिए, सबसे पहले जो पैराग्राफ्स है, मैं पैराग्राफ्स की भी आपको प्रैक्टिस करवाऊँगा, ठीक है, लेकिन ग्रामर का सब्जेक्ट वाइज, ग्रामर को जो टॉपिक वाइज नहीं पढ़ा पाऊँगा। तो आपको क्या क्या ग्रामर में पढ़ना है, क्या क्या चीज़ इम्पोर्टेंट, जिससे अभी तक जो मैंने एनालिसिस किया है उसके आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए नाउन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, कंजक्शन से खूब पूछे गए हैं, और इसके बाद सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, मतलब कोई वर्ड दे देंगे कि इसका सिनोनिम्स क्या है, इसका एंटोनिम्स क्या है, वन वर्ड भी आ जाता है, ठीक है, वन वर्ड पूछा गया है, और इतने ही हैं, और फिर इसके बाद तो आप जितना पढ़ पाए हैं उतना कम ही है। मेनली आपको नाउन प्रोनाउन वगैरह इनकी इतनी तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी, और सिनोनिम्स एंटोनिम्स वगैरह पढ़ लें, और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उनको प्रैक्टिस करें, उनको लगा लगा के देखें कि कैसा क्वेश्चन आता है, आपकी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी। आप इस प्रकार से पढ़िए, बहुत ज़्यादा पढ़ने के चक्कर में मत पढ़िए, लिमिटेड पढ़िए, क्योंकि हम कितना पढ़ सकते हैं, 5 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, अगर आपके पास टाइम बहुत ज़्यादा है तो आप ग्रामर करना चाहें तो बुक से किसी से कर सकते हैं, वैसे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से पढ़ पढ़ कर कीजिए, उनको लगाइए, उससे आपकी वोकेबुलरी जो होगी वो बूस्ट हो जाएगी, काफ़ी चीज़ें आप सीखने को मिलेंगी, ठीक है। पैडागोजी तो हम आपको बिल्कुल रेडी करवा ही देंगे, फिर उसके साथ में प्रैक्टिस कर लेंगे ये मतलब पैराग्राफ्स की भी। चलिए वीडियो को यहीं पर कंप्लीट करते हैं, ठीक है, आप इसको अप्लाई कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।